3 प्रैक्टिकल रूल्स ऑफ सक्सेस, यानी इन 3 रूल्स को अगर आप लगाते हो, ढंग से अप्लाई करते हो, तो किसी भी चीज में आपको सफलता सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको हमेशा ये 3 अल्फाबेट याद रखने, एक साथ याद रखने, और याद रखना बहुत आसान है। ऑलवेज रिमेंबर डैट, डैट को हमेशा याद रखना है। नाउ डैट में जो डी है वो इट स्टैंड्स फॉर डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है आप सभी जानते हो, लेकिन याद रखिए सिंपल एक इच्छा होने से काम नहीं चलेगा कि मेरी इच्छा कर रही है कि मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। नहीं, छोटी मोटी इच्छा नहीं, स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ऐसा ड्रीम होना चाहिए जिसके बारे में सोच के आपको गूज़बम्प्स आ जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हो। उस तरह का ड्रीम आपका होना चाहिए, उस तरह की डिजायर होनी चाहिए। यानी सबसे जरूरी है आपके सपनों में जान होना, आप में पैशन होना, आप में इंटेंस डिजायर होना। अब ड्रीम है, अचीव करना है, अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन प्लान और एक्शन लेना। यानी ड्रीम जब होगा तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक बात बताओ, एक्शन अगर आप लेते हो तो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो वर्क डन थोड़ी ना हो जाएगा। आप सभी जानते हो अगर फोर्स को हम सही डायरेक्शन में लगाते हैं तभी वर्क डन होता है। यानी आपके सारे एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो सही दिशा में हैं या नहीं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो सारे के सारे सही दिशा में हो। अगर वो सही डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम एफर्ट्स लगा के, याद रखना मिनिमम एफर्ट्स लगा के आप वो ड्रीम अचीव कर सकते हो। यानी अगला जो अक्षर है वो क्या है, वो है डायरेक्शन। यानी आपका जो डिजायर है, डिजायर के बाद एक्शन लिया, फोर्स जो लगाई वो सारी की सारी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लगानी चाहिए। सही डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखिए। एक बहुत अच्छी चीज होती है मेंटरशिप। यानी अगर 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 मान लो जो आप ड्रीम अचीव करना चाहते हो, वो ड्रीम अगर किसी आपके ऐसे फ्रेंड ने, ऐसे सीनियर, ऐसे रिलेटिव, भैया, कोई भी जो वो ड्रीम को अचीव कर चुके हैं, अगर आपको उससे डायरेक्शन मिल जाए, अगर आपको उनसे गाइडेंस मिल जाए, वो आपके मेंटर बन जाए, तो ऐसे केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो सभी। और मेंटर नहीं भी मिलते हैं तो खुद का सबसे इंपॉर्टेंट साथी कौन है, खुद। हमको इंटरनली पता होता है कि यार क्या चीज़ हम सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, जो जो हमें पता है। दिल से पूछना कि जो जो आप गलत कर रहे हो जिसके कारण आपका सपना अचीव नहीं हो सकता, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे दूर करना है। यानी अपने आप में कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये नेगेटिव चीज़ बढ़ जाएगी, नेगेटिव चीज़ बढ़ जाएगी तो कभी भी ड्रीम अचीव नहीं हो पाएगा। याद रखना, ड्रीम जितना बड़ा होगा उतना पॉजिटिव ज़्यादा और नेगेटिव कम।